आज हम शुरुआत कर रहे हैं बट्टा से। तो बट्टा का पहला नियम आपको हम बताएंगे। तो बट्टा का पहला नियम क्या है देखिए, यानी बट्टा का पहला नियम देखिए, बट्टा का पहला नियम क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये है और बट्टे की दर 10% हो तो बट्टा ज्ञात कीजिए। यानी पहले हम सवाल पढ़ेंगे, हम उसमें हम देखेंगे हमको क्या क्या दिया गया है और फिर हमको निकालना क्या है। इसमें देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये है, इसका मतलब हमें अंकित मूल्य दिया गया है। तो अंकित मूल्य कितना दिया गया है, अंकित मूल्य दिया गया 300 रुपये अंकित मूल्य, और बट्टे की दर 10% हो, यानी कि हमें बट्टे की दर ज्ञात है। तो बट्टे की दर बराबर 10%। फिर कह रहा है तो बट्टा ज्ञात कीजिए। अब हमें बट्टा निकालना है, बट्टा बराबर वाट। तो पहले हम बट्टा ज्ञात करना सीखेंगे। तो इन्हीं नियम भेद में क्या है, हमको अंकित मूल्य दिया गया है और बट्टे की दर दिया गया है, यानी हमें बट्टा निकालना है। तो बट्टा कैसे निकालेंगे हम, तो बट्टा बराबर होता है, हम सबसे पहले लिखेंगे बट्टा बराबर, यानी कि जितना अंकित मूल्य हो 300 इंटू जय परसेंट बट्टे की दर हो, तो 10% बट्टे की दर है तो 10/100 लिखेंगे। अगर मान लीजिए बट्टे की दर अगर 20% है तो 20/100 लिखेंगे। यानी कहने का मतलब अगर हमका अंकित मूल्य देना है और बट्टे की दर देना है और हमें अगर बट्टा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जितना अंकित मूल्य दिया गया हो उतना इंटू जय परसेंट बट्टे की दर हो उतना बटे 100। अब इसको 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे और 1 से 1 कट जाएगा, ये बराबर होगा 30 रुपये। तो यही हमारा बट्टा होगा। यानी कि हम नियम एक में हमने क्या बताया, नियम एक में हम बट्टा निकालना बता दिए। अगर अंकित मूल्य दिया गया हो और बट्टे की दर दिया गया हो तो हम बट्टा कैसे निकालते हैं। अब देखिए, अब नियम दो, अब नियम दो में देखिए, यानी कि दूसरा नियम, नियम दो में क्या है, नियम दो में है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है और बट्टे की दर 20% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यानी कि वस्तु का हमें विक्रय मूल्य निकालना है। क्या दिया गया है, हमें दिया गया अंकित मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य बराबर दिया गया 500 रुपये और बट्टे की दर दिया गया है 20%। और हमें निकालना क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। मान लीजिए अगर कभी ऐसी सीन आती है कि हमें अंकित मूल्य दिया गया हो, बट्टे की दर दिया गया हो, अब विक्रय मूल्य निकालना हो, तो हम विक्रय मूल्य निकालते कैसे, हम यानी कि अंकित मूल्य और बट्टे की दर से हम विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर, यानी कि जितना अंकित मूल्य है उतना इंटू जय परसेंट बट्टे की दर दिया गया है, उसको हम क्या करेंगे 100 में से घटा लेंगे, यानी कि हम 100 में से 20 घटा लेंगे, यानी कि 100 - जय परसेंट बट्टे की दर दिया गया हो उतना बटे 100, ये भी बराबर 500 इंटू, अब 100 में से 20 घटा लेंगे यानी कि 80/100 बटे 100।
अब दुई जीरो से दुई जीरो कटिए तो पांच शून्य शून्य और पांच आठ चालीस यानी कि 400 रुपए, यही हमारा विक्रय मूल्य है। इसका मतलब कि अगर हमें अंकित मूल्य दिया गया है और बट्टे की दर दिया गया है तो हम विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। अब देखिए नियम तीन, यानी कि तीसरा नियम देखिए। अब तीसरा नियम क्या है, 1100 रुपए अंकित मूल्य वाली एक मेज को 10% बट्टा देने के बाद 10% का लाभ होता है, तो मेज कितने रुपए में खरीदी गई थी। यानी कहने का मतलब एक मेज है उसका अंकित मूल्य है 1100 रुपए, उस पर जो है पहले 10% का बट्टा दिया जाता है, तो बट्टा देने के बाद यानी 10% का लाभ होता है, तो हमें ज्ञात करना है कितने रुपए में मेज खरीदी गई थी। तो हम पहले देखेंगे हमको क्या क्या दिया गया है, 1100 रुपए अंकित मूल्य वाली, इसका मतलब हमें अंकित मूल्य दिया गया है, अंकित मूल्य हमें दिया गया है, तो अंकित मूल्य कितना दिया गया है 1100 रुपए, 1100 रुपए। फिर दिया गया 10% बट्टा देने के बाद, यानी कि हमें बट्टे की दर ज्ञात है, तो बट्टे की दर कितना दिए हैं 10%। फिर क्या दिए हैं, 10% बट्टा देने के बाद 10% का लाभ होता है, यानी कि हमका प्रतिशत लाभ देना है, तो प्रतिशत लाभ कितना देना है 10% देना है, तो हमें निकालना क्या है, तो मेज कितने रुपए में खरीदी गई थी हमने कहा था, यानी कि अगर खरीदे वाला दाम निकालने का है तो इसका मतलब हमें क्रय मूल्य निकालना है, अगर बेचने वाला दाम निकालना है तो इसका मतलब हमें विक्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए खरीदने वाला दाम निकालना है, वो भी लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब हमें लाभ का क्रय मूल्य निकालना है। तो पहले तो ही देखिए लाभ का क्रय मूल्य क्या होता है, यानी कि लाभ का क्रय मूल्य, हम सूत्र लिखाए हैं लाभ का क्रय मूल्य बराबर 100 इंटू विक्रय मूल्य बटे 100 धन प्रतिशत लाभ, 100 धन प्रतिशत लाभ। इन्हीं लाभ हानि में हम बताए हैं, अगर मान लीजिए कितने रुपए में खरीदी गई है वस्तु, तो इसका मतलब हमें क्रय मूल्य निकालना है, और चूंकि लाभ हो रहा है इसलिए हमें लाभ का क्रय मूल्य निकालना है, तो लाभ का क्रय मूल्य बराबर का हो जाए 100 इंटू विक्रय मूल्य बटे 100 धन प्रतिशत लाभ। इसका मतलब कि अगर हमें लाभ का क्रय मूल्य निकालना है तो लाभ का क्रय मूल्य हम कब निकाल पाएंगे, जब हमें विक्रय मूल्य दिया गया हो और प्रतिशत लाभ दिया गया हो। हमेशा के लिए नोट कर लीजिए दिमाग पर कि अगर हमें लाभ का क्रय मूल्य निकालना है तो पहले देखेंगे कि मतलब इसका सूत्र क्या होता है, तो 100 इंटू विक्रय मूल्य बटे 100 धन प्रतिशत लाभ। इसका मतलब कि अगर हमका विक्रय मूल्य दिए रहे प्रतिशत लाभ दिए रहे तो हमारा लाभ का क्रय मूल्य निकल जाए। अब देखेंगे हमको क्या क्या दिया गया है, प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ तो दिया गया है और यानी लिखा है विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य हमें नहीं दिया गया है, और निकालना है क्या है कितने रुपए में खरीदी गई थी, तो इसका मतलब हमका क्रय मूल्य निकालने का है, तो क्रय मूल्य बराबर व्हाट। अब समझ लीजिए, यानी कि हमें प्रतिशत लाभ दिया गया है लेकिन हमें विक्रय मूल्य नहीं दिया गया है, तो अगर विक्रय मूल्य नहीं दिया गया है तो जैसा हम नियम दो में अभी नियम दो में हमने क्या कहा, अगर अंकित मूल्य ज्ञात हो यानी दिया गया हो और बट्टे की दर दिया गया हो, मान लीजिए विक्रय मूल्य के बिना काम रुकता है, तो सबसे पहले हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। अब विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, नियम दो में हम बताए हैं, अगर अंकित मूल्य दे रहा है
बट्टे की दर दे रहा है, अब विक्रय मूल्य निकालने का है, तो सबसे पहले देखा यानी कि अंकित मूल्य कितना दीना है उतना इंटू 100 माइनस प्रतिशत यानी बट्टे की दर, तो बट्टे की दर कितना है 10 है, 10 बटे 100 यानी कि 100 में से जितना बट्टे की दर दिया गया हो उतना घटा दीजिए बटे 100, तो अभी हो जाए कितना हो जाए बराबर 1100 इंटू, अब 100 में से 10 घटा दीजिए यानी कि 90 बटे 100। अब इसको जब हम काटेंगे यानी कि 1100 इंटू 90 बटे 100, 20 से 20 कट गया और 11 नौइया 99, 10 है 10 हो जाए यानी कहने का मतलब जब इसको काटेंगे 990 रुपए, मतलब अगर हम इन्हें अंकित मूल्य दे रहा है और बट्टे की दर दे रहा है, मान लीजिए क्रय यानी विक्रय मूल्य के बिना काम रुपए, तो पहले हम क्या करेंगे अंकित मूल्य और बट्टे की दर से हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। अब विक्रय मूल्य निकालते कैसे हैं, जितना अंकित मूल्य दे रहा है इंटू 100 में से जितना बट्टे की दर देना है उतना घटा के बटे 100 लिख दिया, तो एक मतलब 990 हो गया, ये 990 रुपया हमारा हो गया विक्रय मूल्य। लेकिन हमें विक्रय मूल्य तो निकालना नहीं है, मतलब तो मेज कितने रुपए में खरीदी गई थी तो हमें निकालना है क्रय मूल्य, वो भी लाभ हो रहा है तो लाभ का क्रय मूल्य हमें निकालना है, तो लाभ का क्रय मूल्य बराबर है 100 इंटू विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य की जगह पर हम कितना लिखेंगे 990 बटे 100 धन प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ हमारा कितना दिए हैं 10 दिए हैं, अब ये बराबर 100 इंटू 990 बटे 100 और 10 ही 110, तो इसका मतलब इसको जब हम काटेंगे तो कितना आएगा यानी कि 100 इंटू 990 बटे यानी कि 110, 0 से 0 काटेंगे 11 का नम 11 11 नौइया 99 बटे का मतलब कुछ नहीं 100 नौइया 900 रुपए यानी कि, तो मेज कितने रुपए में खरीदी गई थी 900 रुपए में। कहने का मतलब अगर हमका अंकित मूल्य दे रहा है बट्टे की दर ज्ञात हो प्रतिशत लाभ दीन हो और क्रय मूल्य निकाले हो, तो सबसे पहले हम अंकित मूल्य और बट्टे की दर से हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। अब विक्रय मूल्य निकालने के बाद फिर लाभ का क्रय मूल्य बराबर होता है 100 इंटू विक्रय मूल्य बटे 100 धन प्रतिशत लाभ, अब यानी कि 100 है 100 लिखे इंटू वाई इंटू लिखे विक्रय मूल्य, अब जितना विक्रय मूल्य निकाले हो उतना रख दीजिए बटे 100 धन प्रतिशत लाभ। अब इसी को हल करना है, अब नियम 4 देखिए, देखिए नियम 4 देखने में लगता होगा कठिन है बहुत आसान। इसमें लिखा हुआ है किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपए में बेचा गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है, एमन विक्रय मूल्य दिया गया है। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें दिया गया है यानी कि छूट की दर, छूट की दर कितना दिए हैं 20%, 24 रुपए में बेचा गया, जितने रुपए में बेचा जाता है वो हमारा क्या है विक्रय मूल्य है, इसका मतलब ये 24 रुपए जो दिया गया है ये हमारा विक्रय मूल्य है। क्यों है, क्योंकि 24 रुपए में बेचा गया, जितने रुपए में बेचा जाता है वही हमारा विक्रय मूल्य होता है, यानी कि इसका मतलब हमें विक्रय मूल्य दिया गया है, तो विक्रय मूल्य बराबर 24 रुपए ये है। अब देखिए इधर,
अब हमें अंकित मूल्य ज्ञात करेगा है, अब हमें अंकित मूल्य निकालेगा है। अंकित मूल्य बराबर व्हाट? अब अंकित मूल्य निकालेगा है बराबर होते हैं, यानी कि अब इसको निकालना है। अब अंकित मूल्य हम कैसे निकालेंगे? अब हम मान लेते हैं, माना अगर कवच फूट की दर 3 हो और विक्रय मूल्य 3 हो, अंकित मूल्य निकाले हो, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिखेंगे माना, सुंदर राइटिंग लिखेंगे, अंकित मूल्य बराबर मान ले x रुपया है। अब अंकित मूल्य हमने x रुपया माना है, छूट की दर दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? छूट निकालेंगे। छूट कैसे निकलता है? जय रुपया अंकित मूल्य हो इंटू जय परसेंट छूट की दर हो, 20% है तो 20/100 लिखेंगे। अगर यहां छूट की दर अगर 30% है तो हम 30/100 लिखेंगे। यानी कहने का मतलब, अगर मान लीजिए छूट की दर दिया गया हो और अंकित मूल्य दिया गया हो, नहीं दिया गया तो हमने x माना है, और छूट निकालेंगे कैसे? जितना अंकित मूल्य हो इंटू जय परसेंट छूट की दर हो, अगर 20% है 20/100 हो जाए। अब एक जीरो से जीरो कट गया, यानी जब इसको हम काटेंगे तो x इंटू 20/100, जीरो से जीरो कट गया, 2 करना 2 और 2 पंचे 10, यानी x करना x बटे 5, बराबर हो जाए कितना? x बटे 5 रुपया। तो इसका मतलब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? छूट निकालेंगे। अब हमारा छूट निकल गया, अब हम यानी कि अब क्या करेंगे? हम एक सूत्र है, लिख लीजिएगा, विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस छूट। विक्रय मूल्य बराबर होता अंकित मूल्य माइनस छूट। तो विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 24 रुपए, बराबर अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य कितना दिया गया है? x रुपया, तो x माइनस छूट। अब यानी हमें छूट की दर दिया गया था, तो ये तो है छूट की दर, लेकिन हम यह छूट ये निकाले हैं, तो छूट कितना निकाले हैं? x बटे 5, यहां लिख देंगे x बटे 5। अब इसको हल करेंगे, 24 बराबर ये 5 हम लघुत्तम ले लिए, तो यहाँ बटे 5 आएंगे तो एक इंटू हो जाए, तो x इंटू 5 करा, 5x माइनस, अब यानी बटे 5 आए तो ये 5 से 5 कट गया, तो बचेगा x। अब ये क्या होगा? ये बराबर होगा 24 आए 24 लिखा बराबर, अब 5x में से 1x घटा दिया, 4x बटे, अब नीचे है 5, 5 लिख लीजिए, इसका मतलब 4x बटे 5 ई बराबर कितने के है? 24 के आते जान रहे हैं बटे 1 है, एक है ऊपर एक है नीचे हो जाए, तो एक है एक है नीचे हो जाए, तो हो जाए 4x बराबर एक है एक है इंटू हो जाए, तो हो जाए 24 इंटू 5, तो हो जाए x बराबर 24 इंटू 5 बटे, जो x गिनती है जब उधर जाए तो नीचे हो जाए, तो बराबर यानी बटे 4 नहीं गया। अब इसको जब हम काटेंगे तो 24 इंटू 5 बटे 4, तो 4 ही करना 4, 4 छन 24 बटे का मतलब कुछ नहीं, 6 पंचे 30, 30 रुपए। अब x क्या है? अब यानी x क्या माने हैं? अंकित मूल्य बराबर x माने ही, तो एक है मतलब x मान 30 आ गया, तो इसका मतलब अंकित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य बराबर 30 रुपए, यही हमें निकालना है। इसका मतलब कि मान लीजिए अगर छूट की दर दिया गया हो और विक्रय मूल्य दिया गया हो और हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले हम अंकित मूल्य को मानेंगे। अंकित मूल्य माने के बाद तो हम निकालेंगे छूट। जैसे हम इसी टाइप के एक सवाल हम और बता रहे हैं, देखिए देखिए नियम 4 का ये दूसरी सवाल है, वही टाइप के
अगर इसके पहले वाली सवाल अगर कहीं दिक्कत रही हो तो इस सवाल को देख लीजिए, उसी टाइप का है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 14% छूट देकर 387 रुपए में बेचा गया, यानी कहने का मतलब जितना अंकित मूल्य है उस पर जो है 14% का छूट दिया गया, उसके बाद क्या हुआ 387 रुपए में बेचा गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब अगर मान लीजिए हमें छूट की दर दिया गया हो, छूट की दर देना है 14% और 387 रुपए में बेचा गया, जितने रुपए में हम किसी सामान को बेचते हैं वही हमारा विक्रय मूल्य होता है। तो जब हम 387 रुपए का हम उस वस्तु को बेच रहे हैं तो हमारा विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर कितना दिए हैं 387 रुपए। हमें निकालना क्या है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, इसका मतलब हमें अंकित मूल्य ज्ञात करेगा है। सुना पहले, अगर कहो ऐसी सीन आवे, हमका जो सवाल दिया गया है पहले उसको पढ़िए ध्यान पूर्वक, उसमें से देखिए हमको क्या क्या दिया गया है, फिर देखिए उसमें से मतलब क्या हमको निकालना है। तो यानी कि जब इसमें से हमने क्या देखा, हमें छूट की दर दिया गया है और विक्रय मूल्य दिया गया है, अंकित मूल्य निकाले का है, तो इसका मतलब हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सुंदर राइटिंग लिखेंगे, माना जैसा कि एक पहले वाली सवाल हम बताए ही, माना अंकित मूल्य, मान लिया अंकित मूल्य जो ना है यक्ष रुपया बा, तो अंकित मूल्य मान लिया यक्ष रुपया है। अब हम पहले निकालेंगे क्या, पहले छूट निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हम जानते हैं, देख लीजिए, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर होते हैं अंकित मूल्य माइनस छूट, यही होता है। अब देखिए विक्रय मूल्य हमको निकालेगा है, तो ये क्या मतलब कि अंकित मूल्य दिन हो छूट दिन हो, अब छूट की दर दिन है, अब अंकित मूल्य नहीं देना है, तो पहले हम अंकित मूल्य को हमने मान लिया कि माना अंकित मूल्य यक्ष रुपए है और छूट की दर दिया गया है, इसका मतलब सबसे पहले हम छूट निकालेंगे। और छूट बराबर कैसे निकालेंगे? जय रुपया मतलब अंकित मूल्य है उतना इंटू जय परसेंट मतलब छूट की दर दिया गया है, यानी कि 14/100 मतलब कि अंकित मूल्य यक्ष रुपया है, तो यक्ष इंटू 14% का छूट दिया गया 14/100। अब इसको जब हम काटेंगे तो यक्ष इंटू 14/100, तो दुई से काटेंगे 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 1 × 0 = 0, बराबर कितना हो जाए 7 × x, यानी कि 7x/50, इसका मतलब यानी कि छूट हमारा निकल आया 7x/50 रुपया। अब हमारा छूट आ गया, हमेशा नोट कर लीजिएगा, अंकित मूल्य नहीं दे रहा तो अंकित मूल्य हमने मान लिया, छूट की दर दिया गया है तो हम छूट निकाल लेंगे, अब हमको निकालना है अंकित मूल्य। अब क्योंकि हमें विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य है 387 रुपए, इसका मतलब जहां विक्रय मूल्य लिखा था इसकी जगह पर हम लिखेंगे 387 बराबर अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य हमने क्या माना है, अंकित मूल्य हमने माना है अंकित मूल्य बराबर x, एक मतलब जहां अंकित मूल्य लिखा है x लिख देंगे हम, माइनस छूट मतलब जब रुपया छूट हो और छूट निकाले 7x/50, एक है मतलब कि यहाँ छूट लिखा हुआ यहाँ लिख देंगे 7x/50। अब इसको हल करेंगे, ये हो जाए 387 बराबर है बराबर लिखा, अब इसमें हम 50 लघुत्तम ले ले, अब यहाँ को बटे 50 है नहीं, एक है एक इंटू हो जाए, तो x इंटू 50 कर, ये हो जाए 50x और माइनस, अब 50 से 50 कट जाए, यह 7x बच गया 7x, अब हो जाए 387 बराबर 50x में से हम 7x निकालेंगे,
जब 50 में से 7 निकालेंगे तो ये आएंगे 43 एक्स बटे 50, तो जान ले यहां बटे ये कहां है, अब एक है ऊपर एक है नीचे, फिर ये किंतु हो जाए एक है एक किंतु हो जाए 343 एक्स करना 43 एक्स बराबर एक है एक इंटू हो जाए यानी कि 387 इंटू 50, तो अब एक्स बराबर का हो जाए यानी 387 इंटू 50 बटे 45, ये है। अब इसको हल कर लीजिए, 16 1 17, फिर 13 में से 2 3 में से 2 गए ये, यहां बचेगा 8 नहीं 9 में से हम 7 हटाएंगे 2, अब आगे उतारेंगे 5, अब कितनी बार ले जाएंगे 5 बार, तो 5 की आई 15 हासिल 1, 5 चौ 20 21 और 0 बचा हुआ 0 उतार दीजिए, यानी कि जब इसको भाग देंगे तो हो जाए 450 रुपए, यानी कि x क्या है, x है अंकित मूल्य, इसका मतलब अंकित मूल्य आइए 450 रुपए। यानी कहने का मतलब अगर मान लीजिए ये टाइप का सवाल आती है किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 14% या 15% छूट देकर 387 रुपए में या 500 रुपए में मतलब बेचा गया तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, तो हम इसी तरह से निकाल लेंगे। तो आज हम बट्टा के 4 नियम बता दिए हैं, अब हम आपको 5वां नियम अगले वीडियो में बनाएंगे, अब यानी कि अब अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। देखिए हमारा वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिएगा, और बट्टा के हम 4 नियम बता दिए हैं, अगर ये बट्टा के चारों नियम अगर आप लोग कायदे से देखेंगे समझ में अगर आ जाता है तो इसके आगे हमको समझाने में आसान होगी। अब आगे जो भी नियम बताएंगे यही 4 नियम से आपको हर नियम में मिलता रहेगा, इसलिए इस चारों नियम को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर मतलब हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करिए, और जहाँ कहीं दिक्कत हो कमेंट करिएगा, उस सवाल को हम यहाँ से बताएंगे। जय हिंद जय भारत।